नमस्कार, अमृत रसवादन में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार जिनका ताल्लुक एक ऐसे वाद्य यंत्र से है जो प्रकृति के सबसे करीब माना जाता है। जी हाँ, सुरों के शहंशाह और बांसुरी के सरताज रोनू मजुमदार, आपका स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, आपको आपके बचपन में लेकर चलती हूँ। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपका बांसुरी से जुड़ना हुआ, क्योंकि आपके परिवार में पिताजी शौकिया तौर पर बांसुरी बजाते थे, संगीत था परिवार में, लेकिन आपने कैसे सोचा कि आपको इसको अपना जीवन बनाना है, जीवन संगिनी बनाना है? इसने मुझे जीवन संगिनी चुन लिया, बांसुरी को मैंने नहीं चुना, बांसुरी ने मुझे चुन लिया। जब भी हम लोग, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ को जब आप सोचते हैं कि मैं इसका कैरियर बनाऊं या मैं इसको व्यवसाय के तौर पे देखूं, तो वो बनता नहीं। जब उस पे पैशन होता है, जब उसके प्रति एक शौक होता है, लगाव होता है, जुनून होता है, तो वो अपने आप फिर आप उस वो आपका जीवन ही बन जाता है, लाइफ लाइन बन जाता है और आपका व्यवसाय भी बन जाता है, पैशन भी बन जाता है। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपने जब बांसुरी बजाना शुरू किया? 3, 4, 5? 6 साल का था मैं बनारस में। तो बांसुरी का वो एक ऐसा किस्सा मेरे जीवन में है कि वो बड़ा हास्यास्पद है। बांसुरी पिताजी तो शौक से बजाते थे, तो बहुत सारी बांसुरियाँ घर में थी। वो पैट्रोनाइज़र थे, कलाकारों को संरक्षण देते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार के परिवार से थे पार्टीशन से पहले। तो बनारस में भी कलाकारों को मदद करना, अभी भी बहुत सारे कलाकार हैं जो पिताजी के उस मदद को याद करते हैं और बोलते हैं कि भानु दादा जो हैं वो कलाकारों के लिए खड़े रहते थे हरदम। सब कुछ उनका लुट गया था पार्टीशन में, इसके बावजूद भी वो उनका स्वभाव नहीं गया था। तो इसी के चलते उन्होंने पन्नालाल घोष जी जो बांसुरी के जन्मदाता थे, उनकी भी बहुत सेवा की। तो बांसुरी बहुत सारी और शौकिया तौर पे पन्ना बाबू से सीखते भी थे। तो उन बांसुरियों से मैं एक दिन खिलौने की तरह खेलने लगा और बहुत सारी बांसुरियाँ मैंने तोड़ दी। तो जब रात को आए वो, क्योंकि बहुत बड़े पेंटर थे तो उनका पेंटिंग भी चलता था और होम्योपैथिक के भी बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो देख के बहुत गुस्सा हुए और मुझे डांटा नहीं, मारा नहीं, उन्होंने मुझे सज़ा दिया कि जितनी बांसुरियाँ तुमने तोड़ी है उतने घंटे रियाज करना पड़ेगा। तो वो जो सज़ा थी वो उसको मैंने झेला और झेलते झेलते मैं बांसुरी से प्रेम करने लगा, बजाने लगा, सीखने लगा। तो कितने घंटे रियाज करते थे आप? मैं तो बचपन में भी 4-5 घंटे तो कम से कम बजाता था और साथ में गाना भी गाता था। पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी जो ठुमरी सम्राट थे, जिनसे बहुत आधा बनारस समझिए उनसे ठुमरी सीखता था, ठुमरी का जो ठुमकना जो उनके पास था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाने का भी रियाज करता था और इसीलिए इस मिथ को भी शायद मेरे द्वारा ही भगवान ने तोड़ा कि बांसुरी बजाने से आवाज़ ख़राब हो जाती है। मैं तो कॉन्सर्ट में जिस स्केल में बजाता हूँ, जिसको हम लोग सफ़ेद थीम कहते हैं, ई स्केल, उसमें गा लेता हूँ पूरा 2.5 सप्तक। तो ये भी एक मिथ और एक ये था लोगों के मन में कि बांसुरी बजाने से गला खराब हो जाता है, वो भी क्योंकि दोनों का रियाज मैंने किया। तो शुरुआती शिक्षा आपने अपने पिताजी से ली? मेरे पहले गुरु मेरे पिताजी, फिर उसके बाद उनको लगा कि मैं तो शौकिया तौर पर बजाता हूँ, इसको बहुत बड़े उस्ताद गुरु के पास ले जाना चाहिए। तो बम्बई में हम लोग आ गए 73 में, तो पंडित विजय राघव राव जी बहुत ही गुणी बांसुरी वादक रहे, 2011 में उनका देहांत हो गया, तो उनसे गंडा बंधन मेरा 73 में हम लोग आए। 76 में मैं 13 साल का था और उनके साथ मेरा गंडा बंधन हो गया, उनसे मैं सीखने लगा और आखिरी दम तक मैं सीखता रहा। आपने पंडित रवि शंकर जी से भी शिक्षा ली है, कैसा रहा वो जुड़ाव? इतना गहरा रहा कि यहाँ पे दिल्ली में एशियाड गेम्स हुए थे 80s में, तो उसका जो स्वागत गीत था, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आज भी ये बहुत एक नेशनल सॉन्ग की तरह है, माना जाता है इसको, तो उसमें मैंने बांसुरी बजाया। वो चांस मुझे ऐसे मिला कि मेरे गुरुजी, क्योंकि बेसिकली साउथ इंडियन थे और वो कर्नाटिक म्यूज़िक बजाते थे, तो जब नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में उन्होंने स्विच ओवर किया उत्तर भारतीय संगीत में, तो दिल्ली नेशनल ऑर्केस्ट्रा में ही थे दोनों जन, तो रविशंकर जी से उन्होंने थोड़ा मार्गदर्शन और सीखा। तो जब रविशंकर जी का ये, बड़े गुरुजी हम लोग बोलते हैं, उनका ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरा एक शिष्य है वो कंप्यूटर की तरह उसका माइंड है। तो पंडित जी बोले लेके आओ। तो जब गए तो जो मेरा नोटेशन लिखने का जो स्पीड था
वो शायद मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, वो उसका स्पीड नॉर्मल लोगों से थोड़ा 2-3 गुना ज़्यादा था, आज भी है, ऐसा नहीं कि आज मैं नहीं लिख सकता उतना फास्ट। तो जो भी पंडित जी बोलते थे मैं उसको एकदम बीट टू बीट एक्यूरेसी से परफेक्शन के साथ मैं लिखता था। तो उन्होंने भी कंप्यूटर नाम दिया मुझे, कंप्यूटर ऑफ म्यूजिक। तो वो आपको एड्रेस भी कंप्यूटर का कि एक कंप्यूटर इधर आओ वो मुझे जो मैं अपने पेट नेम से पॉपुलर हो गया, मेरा पूरा नाम तो रानेंद्र मजुमदार है, तो वो रोनू करके बुलाते थे, तो वो नाम वहीं से ये वहां से ये नाम। आई वांटेड टू आस्क 1981 से वो रोनू बोले रोनू बेटा ऐसे करके बुलाते थे, तो वो नाम इतना पॉपुलर हुआ, फिर बोले कि दो अक्षर का नाम तुम्हारा होना चाहिए, रवि मेरा नाम है, और रणु से उन्होंने, रणु मतलब कृष्ण के, भगवान कृष्ण के गले में जो मोती की माला रहती है उसको रणु कहते हैं, तो रणु से रोनू हुआ, और वो रोनू मजुमदार बोले कि ये लक्की नाम है, यही अब तुम्हारा नाम रहेगा। तो रेडियो में मैं ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आया था, वहाँ जाके नाम चेंज किया, तो इस तरीके से ये नाम मेरा पॉपुलर। तो गुरु का दिया हुआ नाम आपके लिए लकी है जी। अच्छा, फिल्मों से कैसे जुड़ा हुआ आपका? फिल्मों का जुड़ाव बड़ा रोचक है। जब उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में जो पूरे इंडिया में फर्स्ट आते थे उनका प्रोग्राम रखा जाता था, तो मैं और साधना सरगम जो कि बाद में फिल्मों में बहुत पॉपुलर हुई, वो सिर्फ क्लासिकल गाती थी उस जमाने में, और पंडित जसराज जी की शिष्या थी, तो वो हम दोनों जब फर्स्ट आ गए तो हम दोनों का कार्यक्रम रखा गया, तो उसको सुनने के लिए फिल्मी हस्तियाँ भी आई। आज भी जब वो ब्लैक एंड वाइट फोटो देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। रविंद्र जैन साहब बैठे थे सुनने के लिए, तो उन्होंने सुनते ही बड़ा खुश हुए, मैंने आभोगी बजाया था, तो उन्होंने मुझे रेडियो जेम्स स्टूडियो में बुलाया बजाने के लिए, बोले कभी फिल्मों में बजाए हो? वो दादू के नाम से पॉपुलर थे, उनको सब लोग दादू कहते थे, उनका दादू मैंने तो नहीं बजाया, तो बोले कभी तो तुमको पहली बार कोशिश करनी होगी। तो मैं दूसरे दिन गया तो किशोर कुमार, किशोरदा मेरे फेवरेट सिंगर से पहला मेरा एक सामना हुआ, मैंने दर्शन किया उनका, एक सुर का बादशाह हम लोग बोलते हैं, पिच परफेक्ट उनका नाम कहा जाता है। जसराज जी कहते हैं पंखे से भी लटका दो तो भी सुर में गाएगा ये किशोर कुमार। तो किशोरदा को देखा, वो गाना था ना जाने कब कैसे मिल जाते हैं जैसे, तो उनका और हेमलता का डुएट था, उसमें मेरा एक फ्लूट सोलो था, वो सफ़ेद तीन में ही मैंने बजाया था। तो उस पीस से इतना प्रभावित हुए सब लोग, और वहाँ पे टैगोर दादा थे जिन्होंने गाइड में, फिल्म गाइड में वो जो तारशाना ही बजाई, अब तो नहीं रहे, तो वो मेरे गॉडफादर की तरह हुए, और आर डी बर्मन के साहब के पास ले गए दूसरे दिन मुझे, और पहला सुपरहिट पीस सोलो मैंने लता जी के साथ, याद आ रही है जो पुराना लव स्टोरी है, वो मेरा पहला सुपरहिट पीस था, सोलो पीस। हम सुन सकते हैं? जरूर, वो बांसुरी से ही शुरू होता है, वो छोटी बांसुरी, मगर इसमें भी आपको इफेक्ट मिलेगा। याद आ रही है, ऐसे गाना शुरू होता है, मगर उसके पहले एक बांसुरी का पीस है जो बहुत हिट हुआ था, देखिए। डंग 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 के बाद गाना। तो उस पीस से मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक चहेता बांसुरी वादक बन गया, और फिल्म लाइन में मैंने कम से कम सैकड़ों गाने लता जी के साथ, किशोरदा, एक रफ़ी साहब के साथ भी मैंने बजाया। एक रफ़ी साहब का और किशोरदा का डुएट था, वो आर डी बर्मन का म्यूजिक नहीं था, वो एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, और वो महबूब स्टूडियो में था, तो वो जो था, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, तो रफ़ी साहब ऐसा लाड़ प्यार से उसको गा रहे थे, तो और किशोरदा का जो वॉइस में जो एक प्रेजेंस था वो देखते ही बनता था, तो लगता था कि कोई किसी से कम नहीं है, ये दोनों जो हमारे बॉलीवुड के दो मतलब अनमैच्ड सिंगर्स हुए, उन दोनों को एक साथ मैंने गाते हुए देखा। फिर पंचमदा, गुलजार जी, इन सब के साथ भी आपका जुड़ना हुआ? हाँ, गुलजार साहब के साथ बहुत रोचक किस्सा है मेरा। वो किस्सा कुछ ऐसा है कि मैंने एक फिल्म थी जिसमें मेरा और आशा जी का एक जुगलबंदी ही कहा जाएगा, आज भी आशा जी याद करती हैं, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ इजाज़त। तो उस गाने में, उस पीस से गुलजार साहब बहुत प्यार करने लगे, और वो बंगालियों भाषा से बहुत प्यार करते हैं, उनको हम लोग भाई जी कहते हैं, वो क्योंकि टैगोर को भी बहुत स्टडी किया,
तो मैं उनसे इतना छोटा हूँ फिर भी मुझे दादा ही कहते हैं आज भी, वो दादा कैसे हैं। तो वो उस गाने के बाद बहुत प्रेम हुआ, मैं घर भी जाने लगा और मेरा सीडी भी रिलीज़ करने कभी आते थे घर जैसा एक रिश्ता। तो जब आर डी बर्मन साहब का देहांत हुआ अनटाइमली, लास्ट फिल्म मैंने बजाया कुछ ना कहो, तो बहुत दुख हुआ मुझे कि पंचमदा के जीवन में उस वक्त बहुत ख़राब समय चल रहा था, डाउनफॉल था और उनको फिल्में नहीं मिल रही थी। तो इसका जब रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो किशोरदा तो ऑलरेडी चले गए थे, जीवित नहीं थे, तो शानू दादा को गा और उन्होंने बहुत बेहतरीन गाया सब गाना। तो जब पीस मेरा उन्होंने खुद बनाया तो इतना ही बोले थे कि जितना ये गाना हिट होगा उतना ही तुम्हारा पीस हिट हो जाएगा, लोग रोनू मजुमदार को याद करेंगे इस पीस के लिए। वैसा ही हुआ, मगर उसका सक्सेस देखने के लिए वो जीवित नहीं बचे फिल्म रिलीज से पहले, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक में भी वो जीवित नहीं रहे। सारे गाने रिकॉर्ड हुए और पंचमदा हार्ट अटैक से चले गए। आपके जीवन में भी वो फिल्मी करियर से एक ब्रेक आया। वो ब्रेक आया और मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट बजाना बंद कर दिया और 3-4 साल मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट स्टूडियो में जाता था सिर्फ अपने एल्बम के लिए, फिल्मों के लिए नहीं। फिर जो मेरी वापसी भी गुलजार साहब ने कराई और एक दिन विशाल भारद्वाज का फ़ोन आता है कि गुलजार साहब चाहते हैं कि माचिस में आप बजाएं। मैंने कहा मैंने बहुत दिन से बजाया, बोले नहीं 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 आप ही की बांसुरी चाहिए, बांसुरी वाले तो और भी बहुत आ गए हैं मेरे बाद जो यंगस्टर्स जो स्ट्रगल करते हैं बजाते हैं। तो उसका एक फेमस किस्सा आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। उसमें क्लाइमैक्स सीन में क्योंकि आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है चंद्रचूड़ को, तो अब उसको मरना है क्योंकि मर के ही वो बच सकता है, वरना उसको टॉर्चर बहुत हो रहा था। तो टब्बू जो उनसे प्रेम करती है वो साइनाइड की गोली उनके मुंह में रखने के लिए जा रही है, ये बहुत इंटेंस सीन है और इसमें राग मारवा मुझे बजाने के लिए कहा विशाल जी ने, तो गुलजार साहब भी बैठे थे बैकग्राउंड में। मैंने कहा भाई जी मैं इतना ये इस सीन में दर्द और क्रोध और क्रंदन है कि मैं अकेला इसको अपने कंधे पे नहीं उठा पाऊंगा, और भी कुछ रखिए। तो बोले कि दादा आप बजाइए तो सही, ये सीन आपके सामने पनाह मांगेगा। चाहूंगी कि आप माचिस की वो धुन हमारे दर्शकों को सुनाएं क्योंकि वो जरूर सुनना चाह रहे होंगे इस वक्त। मैंने खत्म किया। Amazing. सीन को जीना पड़ेगा। अभी भी आपकी आंखों में लग रहा है जैसे आंसू हैं। उनकी याद आ गई। ऐसा उन्होंने प्यार दिया, हर पल देते रहे। कमाल के लोग हैं ये। वैसे जब आप बांसुरी बजा रहे थे तो मुझे वो महसूस हो रहा था कि कितना मुश्किल है इसको बजाना। पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। ये पूरे सांस का खेल है। कोई भी सांस छोटा नहीं है, मगर इस सांस में गाने से भी मुश्किल है। मैंने गाना भी गाया है, आप गा के देखेंगे कोई भी हवा नहीं निकल रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा। इसमें देखिए 15 सेकंड के अंदर पूरा लंग्स खाली हो जाता है। तो बांसुरी वाले को बहुत प्राणायाम से, शक्ति से, अनुलोम विलोम से अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है कि हम घंटों बजाएं। और अब जब उम्र के साथ क्या बांसुरी बजाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बांसुरी में पूरी जान फूंकनी पड़ती है, बहुत सांस देनी पड़ती है। मैंने अभी तक तो उम्र को देखा ही नहीं। अच्छा। और एक बालावस्था में जीता रहा, आज भी जीता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बन जाओगे
जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तो जब संगीत के स्वरों से प्यार होने लगता है तो सारी दुविधाएं मिट जाती है, इंसान सचमुच बच्चे जैसा हो जाता है। मैंने बिरजू महाराज जी को कई बार देखा, बच्चे हैं वो, बच्चे की तरह। तो इसीलिए मैं बच्चा की तरह ही मैंने ट्रीट किया। तो कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं आप 50 पार कर चुका हूँ या कुछ। मैंने वो तो नंबर्स हैं, जब तक ताकत रहेगा सेवा करता रहूँगा, कोई बाधा नहीं है। आपकी बांसुरी की खासियत क्या है इसकी? एक लोग मुझे अभी स्टाइल मेकर कहते हैं, इसका पूरा श्रेय, ये जो आप सुन रहे थे अभी, इसका जो घसीट एक होता है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन। ये जो इंटेंसिटी है मिड़ के अंदर, जो दिल में कहीं अंदर जाता है, और आंदोलन का काम, जो पंडित रविशंकर जी की खासियत थी, ये उनको मैं समर्पित कर रहा हूँ। ये एक दिन मॉस्को में जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्लोजिंग सेरेमनी 1988 में मैं विश्व मोहन भट्ट हम सब गुरु भाई हम लोग सब गए, तो एक दिन उन्होंने, मेरा जन्मदिन था मुझे अभी भी याद है, और उस दिन सुबह मुझे बुलाए। हम एक ही क्रेमनिल पैलेस होटल में ठहरे थे, और वो अमरीश पुरी जी, आशा जी, सब उस होटल में ठहरे थे, कौन नहीं गया था। बोले कि बांसुरी में और काम रह गया है, बहुत कुछ बोले, मैं कुछ ही शब्द बता रहा हूँ सिर्फ। तो कुछ बातें बताई और बोले कि मैहर घराने का जो असली वादन है अभी तक हुआ नहीं है, तुम्हारे ऊपर ड्यूटी है। तो कुछ रास्ता दिखाया उन्होंने, बोले इस पे काम करो। तो 88 के बाद मेरा स्टाइल, 88 तक मैं मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कभी मैं सोच रहा था कि मैं ओंकारनाथ ठाकुर की तरफ बजाऊँ, कभी लग रहा था मैं हरिप्रसाद जी की तरह बजा। आप चाहते थे कि बड़े कलाकारों की तरह आप करें, कुछ ओरिजिनल अपना लेकर आने की कोशिश इसके बाद शुरू हुई। उसके बाद रास्ता दिखा, कोशिश तो पहले थी मगर रास्ता तो नजर आए, किस रास्ते पे चले, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। भूख तो थी मगर मालूम नहीं था कि क्या खाना है, किस रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल मिलेगा या एटलीस्ट मंजिल का आभास होगा, वो भी मालूम नहीं था। वो पंडित रविशंकर जी शायद ये लोग महात्मा का दर्जा पा चुके थे कि ये लोग अगर किसी को कोई शब्द कहते हैं तो उसको जबे बाण लगे तबे भाग जागे, जो एक कहावत है, तो वो हुआ, बाण लगा और भाग जागा। बांसुरी बजाते तो दर्शकों ने आपको बहुत सुना है, और मैं चाहूंगी कि लेकिन आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ गाएं, क्योंकि आपने गायन की शिक्षा भी ली है। मैं एक बहुत ही रेयर राग है जिसकी बंदिश मैं बड़े गुलाम अली खान साहब को हरदम सुनता रहा, और मतलब मेरे दिल में बसा हुआ है। वो 3 मिनट के अंदर जो ईपीस छोटे होते थे उसमें जो खान साहब गा दिए, राग कामोद, जो कि बहुत मुश्किल माना जाता है, उसको सुनने के बाद मैंने कामोद बांसुरी में कभी बजा नहीं था, मैंने बजाना शुरू किया। वो बंदिश गा के सुना रहा हूँ, मेरे दिल में है। सा रे रे पा रे ए बार दा बार दर दर छड़ दे मोरा अक्षरा, छड़ दे मोरा अक्षरा, छड़ दे मोरा अक्षरा, घर जाने दे मोको देखत सब लुंगवा, छाड़ दे मोरा अक्षरा, छाड़ अब की बेर मोहे जाने दे सब रंग, बलि जाऊं तोरे मितवा, छाड़ दे सारे भगामा दा भगामा सा दा भगामा रे सा, छाड़ दे। तो ऐसा जो कठिन राग है इसमें ऐसा सरगम करते थे, तो वो राग मैंने बजाना शुरू। फिर आपका गायन से जुड़ाव कैसे हुआ? उत्तम गाना मध्यम बजाना, तृतीय नाचना विकट बताना, ये पिताजी हरदम कहते थे। तो गाना, ये चारों महान हैं, मगर गाने में ये भगवान का दिया हुआ पहला साज है, तो मैंने गाना कभी छोड़ा ही नहीं था। मुझे पिताजी को ये आइडिया था कि बिस्मिल्लाह खान साहब, विलायत खान साहब, ये सारे पंडित रविशंकर जी, जो फिलिप ग्लास के साथ बहुत सुंदर पैसेजेस एल्बम है उसमें, हे नाथ हम पर कृपा कीजिए, दूर कर अंधकार ज्ञान का आलोक दीजिए, जो पंडित जी ने गाया रविशंकर जी ने, हैरान करने वाला। उसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम ने भी गाया है
और पंडित जी ने भी गाया है, आप पंडित जी का गाना सुन लीजिए। तो जब आप बजा रहे होते तो अगर गाना सोच रहे हैं तो बजाने में कुछ एक्सप्रेशन, भाव पक्ष जो है वो कुछ अलग लेवल का होता है। तो फिर गायन की शिक्षा शुरू कैसे हुई? ये बहुत कमाल की बात है, जो रामापुरा में ठुमरी सम्राट महादेव प्रसाद मिश्रा जी थे, तो उनके एक नियम था, वो हनुमान चालीसा को बड़ा राग में गाते थे। तो वहाँ जाता था जब मैं, तो बहुत छोटा था, तो वो हनुमान चालीसा गाते गाते मैं उनसे ठुमरी दादरा भी थोड़ा सीखने लगा। मोपे रंग डारो नगिर धारे रे मोपे डार, ये जो ठुमकना और लचकना और जो श्रृंगार रस है उसका, ये उनका मुझे पता नहीं कैसे बचपन में ही समा गया। अब मैं उससे कभी छूट नहीं पाया, मुझे लगता है बनारस मुझे मिल गया उन 4-5 सालों में ही। 10.5 साल की उम्र में तो मैं बम्बई आ गया, मगर उनके पास जाता रहा मैं, उनको छोड़ा नहीं मैंने। बम्बई में बहुत बड़े गायक थे, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, कुंवर श्याम गोसाई घराने के बहुत बड़े गायक, जिनको अमीर खान साहब भी मानते थे, तो उनसे गाने की तालीम मैंने चालू रखी। यहाँ तक कि पंडित विजय राघव राव जी को 76 में मिलने के बाद भी मैं पंडित जी के पास जाना छोड़ा नहीं। तो कितनी बंदिशें आज मैं गाने की जो बजाता हूँ वो लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले साहब का है। आपकी बांसुरी बिल्कुल अलग दिखती है, शंख बांसुरी जी, खासियत क्या है इसकी? शंख बांसुरी उसमें कोई शंख तो नहीं है, वो भी मॉस्को का ही देन है। दरअसल पंडित रविशंकर जी के साथ जब मैं 88 में गया था तो बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, और उसमें एक चीज़ उन्होंने और भी कहा था जो मेरे जीवन में हरदम पथ प्रदर्शक रहे, वो मार्गदर्शक रहे। तो उन्होंने कहा था कि मंद्र सप्तक में काम नहीं कर पाते हो तुम लोग बांसुरी वाले, ये बात विचलित कर गई मुझे। बोले देखो मेरे सारे शिष्य काम कर रहे हैं मंद्र सप्तक में जाके, तुम चुप हो जाते हो, कुछ करो, एक बांसुरी बनाओ। तो मैं बम्बई आया और मिस्टर पई साहब थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और फ्लूट मेकर प्लेयर सब थे, पई साहब के चरणों में गिर गया। मैंने कहा कुछ करिए, 2 बैम्बू जोड़ के 3.5 फीट लंबी एक बांसुरी बनाई, और वो ख़राब हो गई, दूसरी भी ख़राब हो गई, तीसरी बन गई, और जब उसको पहली बार फूका मैंने ऐसे करके, तो उसमें शंख जैसी आवाज़ आई, नर शंख जैसी। तो मैंने कहा इसको शंख बांसुरी नाम दे दूँ। तो उसके बाद मंद्र सप्तक में 88 के बाद आप जितने मेरे एल्बम देखेंगे सब में शंख बांसुरी का नीचे रुद्र वीणा की तरह आलाप आपको सुनने को मिलेगा, उसके बिना कोई कॉन्सर्ट मेरा नहीं देखेंगे आप। जाते जाते आप दर्शकों के लिए अगर बांसुरी की ही कोई धुन सुनाना चाहें। आज इतनी बनारस की बातें हुई तो महादेव गुरु जी जिनको हम लोग ठुमरी सम्राट कहा, कितने लोग उनसे सीखे, जो मैंने 7 साल की उम्र में जो ठुमरी उन्होंने मुझे सिखाया था वो रस रह गया। तो मोपे डारो न रंग गिरधारी जो होरी उन्होंने सिखाई थी वो मैं सुना रहा हूँ, खमाज में है। रंग गिरा धारी रे मोपे डारो न रंग गिरा धारी रे हो मोपे, जो हो लगाने का उनका अंदाज था वो बांसुरी में देखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए रोनू जी. थैंक यू सो मच. और दर्शकों के लिए आज बस इतना ही. अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार. और दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे YouTube चैनल nationalkhabar.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें.